वी कैन यूज द ई प्लान सॉफ्टवेयर इन बिल्डिंग ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, मरीन लाइन, एनर्जी, LV, HV, फूड बीवरेजेस, ऑटोमोटिव, पैनल बिल्डिंग, मशीनरी एंड कॉन्फिग्रेशन, सर्विस मेंटेनेंस, दीज काइंड ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज यूजिंग द ई प्लान सॉफ्टवेयर. बाई यूजिंग मीन्स वाई वी आर स्विच इन टू द ई प्लान बिकॉज देर आर वेरियस कस्टमाइजेशन इन ई प्लान एज वेल एज वी कैन यूज द सॉफ्टवेयर एज वॉट वी वॉन्ट टू डू. मीन्स आपको जैसे यूज करना है वो सॉफ्टवेयर, वो आप उसी तरीके से आप यूज कर सकते हो. और बहुत सारी ऑटोमेटिक चीजें उसमें कि आप वो यूज करके आपका काम आसान कर सकते हो, और जैसे ड्राइंग वगैरह, स्केमेटिक ड्राइंग वगैरह, तो वो चीज़ें जैसे रिपोर्ट्स वगैरह रहता है, टर्मिनल डायग्राम रहता है, और रिपोर्ट्स मतलब टेबल ऑफ कंटेंट रहता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें है कि आप बहुत इजी तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो. और जैसे ऑटोकैड में आप यूज़ करते हो तो ईच एंड एवरी सिंबल आपको लेके उसको कनेक्ट करना पड़ता है बाय यूजिंग लाइन कमांड. सो यहाँ पे ऐसे नहीं है, आप डायरेक्टली वो सिंबल लेके किसी और सिंबल से आपको कनेक्ट करना है, उसके सामने रख के आप उसे कनेक्ट कर सकते हो. सो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन. स्क्रीन दिख रहा है सर? हेलो. नहीं सर, नहीं नहीं नहीं. नहीं अभी दिख रहा है? यस यस सर, यस सर, यस सर. यस यस. ई प्लान में जैसे स्टूडेंट वर्जन भी मिलता है जो कि आई थिंक 2.5 लाख में मिलता है मार्केट में, नॉट फिक्स द प्राइस. एंड लाइसेंस वर्जन भी रहता है जो जैसे सिलेक्टिव लाइसेंस रहते हैं, किसी में डेटा पोर्टल आपको चाहिए तो डेटा पोर्टल आप यूज कर सकते हो, अगर डेटा पोर्टल नहीं चाहिए तो फिर वो जैसे वो अकॉर्डिंगली प्राइस चेंज होता है. सी दिस इज द ई प्लान विंडो. देर आर वेरियस सिम्बॉल इन द ई प्लान. वी कैन कस्टमाइज सम सिम्बॉल्स इन दिस. टूल्स भी आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हो. ठीक है. अभी ये जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट है तो ये प्रोजेक्ट में आप, हेलो, हेलो, आ रही है सर आपकी आवाज. ओके ओके. ये प्रोजेक्ट है, ठीक है. यहाँ पे टाइटल पेज रहता है, मतलब ये पेज ऑफ कंटेंट जो लिस्ट है प्रोजेक्ट के कंटेंट, तो यहाँ पे दिखते हैं वो सारी चीजें. ये ग्राफिकल व्यू प्रीव्यू है, चाहिए आप इसे क्लोज कर सकते हो. मतलब जैसे आपको कोई पेज सिलेक्ट किया यहाँ पे तो वो यहाँ पे दिखाता है, राइट. उसके अलावा जैसे ये पेज है तो ये टाइटल पेज है ई प्लान में. हेलो. हेलो, हाँ, ई प्लान में जैसे ऑटोकैड में जिसे टेम्पलेट कहते हैं, तो ई प्लान में वही वो प्रो ये रहता है प्लॉट फ्रेम. तो ये आउटर जो फ्रेम है ये पूरी प्लॉट फ्रेम है, इसे भी हम न्यूली क्रिएट कर सकते हैं जैसे अपना रिक्वायरमेंट है. उसके अलावा इसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं. ये कॉलम्स रहता है, तो ये कॉलम्स जैसे कुछ स्कीम चेंज करते हैं, फेरल स्कीम हो या फिर कोई और स्कीम, तो उस स्कीम्स में ये कॉलम्स वगैरह यूज होते हैं. यहाँ पे आप रो भी डाल सकते हो और यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन रहती है ये प्लॉट फ्रेम पे. किसी ने चेक किया, किसी ने अप्रूव किया है, कंपनी नेम रहता है. आप इसे इसमें इमेज भी इंसर्ट कर सकते हो. तो ये कस्टमर नेम्स है, यहाँ पे प्रोजेक्ट पेज नेम, प्रोजेक्ट नंबर्स. उसके अलावा ये जो फॉर्म्स है, ये फ्रेम के अंदर जो भी चीज है ये फॉर्म है,
तो इसमें आप जो चाहिए वो चीजें डाल सकते हो, जैसे इमेज डालना है। सी अगर आपको इमेज डालना है, यहाँ पे जैसे मैं ओपन करता हूँ, ये इमेज भी मुझे यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, ये इमेज आ गए। तो ये भी चीज है, और उसके अलावा हम रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए, जिसे बीओएम कहते हैं, तो ये बीओएम है। जो जो चीजें मैंने इस ई प्लान प्रोजेक्ट में यूज किया है, जैसे यहाँ पे डिवाइस स्टैक, डिवाइस स्टैक मतलब किसी एमसीबी है, तो उसे मैंने एफ नाम दिया है, तो ये नाम यहाँ पे आ रहा है। तो सारी डिवाइस स्टैक का यहाँ पे लिस्ट रहता है, उसमें क्वांटिटी कितना यूज किया है, डेजिग्नेशन उसका, टाइप नंबर, टाइप नंबर जैसे जो भी एक कंपनीज है तो उसमें ये नंबर्स आते हैं, उसके अलावा उसका सप्लायर कौन है, पार्ट नंबर, तो ये भी लिस्ट कस्टमाइज कर सकते हो। ये फॉर्म है वो भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें और चीज़ है, जैसे रिपोर्ट जनरेट करना है, तो यहाँ पे आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, यूटिलिटीज रिपोर्ट जनरेट। तो जो चाहिए इसमें बहुत सारी वैरायटी है, टेबल ऑफ कंटेंट आ जाता है, टर्मिनल डायग्राम है, पीएलसी का रिपोर्ट आता है, केबल डायग्राम से, तो इसमें आप बहुत सारी वैरायटी के यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। इसमें सिर्फ प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके आपको जनरेट करना रहता है। तो जो भी चीज़ें आपने यूज़ की है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है, मतलब मैन्युअली अगर सिलेक्ट करते हो तो कोई कोई चीज़ रह जाती है इसमें, तो वो चीज़ें इसमें अवॉइड होती है, मतलब नहीं होती है। उसके अलावा और चीज़ें, जैसे अगर डेटाबेस रहता है, जो सिस्टम डेटाबेस रहता है और एक प्रोजेक्ट डेटाबेस रहता है, तो इसमें आप यूटिलिटीज में, पार्ट्स मैनेजमेंट में जाओगे, तो ये जो रहता है सिस्टम डेटाबेस, तो इसमें आपको जो भी डेटा रहेगा, कोई भी आर्टिकल है, आर्टिकल मतलब कोई स्विच गियर वगैरह, तो इसमें आप देख सकते हो ये स्विच गियर, एक मिनट सी, तो ये जो रहता है वो सिस्टम डेटाबेस रहता है आपका, तो इसमें आप सारी ये प्रॉपर्टीज रहती है जनरल, जैसे प्रोडक्ट ग्रुप वगैरह रह गया, उसके अलावा प्राइस वगैरह, कोई कंपनी में ईआरपी सिस्टम यूज होता है, कोई कंपनी में सैप यूज होता है, तो यहाँ पे ईआरपी वगैरह नंबर वगैरह डाल के ऑटोमेटिकली वो चीजें, जैसे स्टोर को पता चल जाती है कि किसी ने बुक किया है या फिर किसी को यूज करना है वो चीजें, तो वो बुक हो जाते हैं। उसके अलावा इसमें माउंटिंग, तो इसमें जैसे वेट का अगर रिपोर्ट निकालना है मुझे, तो जो भी आर्टिकल मैंने यूज किया मेरे कंट्रोल पैनल में, तो वो वेट ऑटोमेटिकली रिपोर्ट आ जाता है। उसके अलावा इसमें साइज वगैरह आती है, जैसे ड्रिलिंग पैटर्न वगैरह भी इसमें आते हैं, और जो प्रो पैनल का जो पार्ट है, तो यहाँ पे आप ग्राफिकल माइक्रो अटैच करके ले सकते हो, तो जैसे भी आपको प्रो पैनल का जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना रहेगा, तो वो उसमें आ जाता है ग्राफिकल माइक्रो में। उसके अलावा इसमें इमेज फाइल्स आप अटैच कर सकते हो, जो माउंटिंग एरिया रहता है कि इसको माउंटिंग एरिया कितना लगेगा, वो यहाँ पे आता है। उसके अलावा कोई कोई चीजें रहती है उसकी, उसको वेंटिलेशन के लिए जो स्पेस रखनी होती है, तो यहाँ पे आप रख सकते हो वो, उसको अप साइड डाउन साइड लेफ्ट राइट, ये चीजें यहाँ पे फिल करनी होती है। एक्सेसरीज आती है, तो इसमें इजीली यहाँ पे एक्सेसरीज आप इंसर्ट कर सकते हो यहाँ से, तो यहाँ पे अगर एक्सेसरीज का पार्ट नंबर डालोगे तो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाती है। तो ये सारा सिस्टम डेटा रहता है यहाँ पे, टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक, ग्रुप नंबर, पार्ट नंबर, यहाँ पे आप कनेक्शन पॉइंट पैटर्न, ये भी चीज प्रो पैनल में लगती है कनेक्शन पॉइंट पैटर्न, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली अटैच कर सकते हो यहाँ से, एक्सपांड करके यहाँ पे आप जो भी पैटर्न आपको सिलेक्ट करना है, तो आपके चॉइस के हिसाब से आप उसको ये पैटर्न लगा सकते हो। ये डॉक्यूमेंट मतलब जो लिंक हाइपरलिंक वगैरह रहती है वो यहाँ पे अटैच करके इसको डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हो। ये मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, यहाँ पे ड्रिल पैटर्न लगाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये ड्रिल पैटर्न है, तो ये सारे ड्रिल पैटर्न यहाँ पे आप क्रिएट भी कर सकते हो न्यू बोल के। उसके अलावा जो भी ड्रिल पैटर्न आपको अटैच करना है वो कटआउट देके आप अटैच कर सकते हो। ये चीजें
ऑटोमेटिक जो सीरियल प्रोडक्शन रहता है उसमें लगता है, तो इसीलिए ये ड्रिल पैटर्न वगैरह चीजें इसमें दी जाती है। तो ये ड्रिल पैटर्न, ये सारी चीजें 2D में भी लगती है और 3D प्रो पैनल में भी आप देख सकते हो। तो ये चीज है इसमें, ये सारा सिस्टम डेटा रहता है। ये सिस्टम डेटा आप जब भी फील होता है तो ये सारे जो पार्ट लिस्ट रहती है वो ऑटोमेटिकली, जब जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो नेविगेटर से, तो नेविगेटर से आपको बहुत सारी चीजों में मतलब इजीनेस रहता है कि आप इजीली वो ड्रैग ड्रॉप करके वो जो भी पार्ट लगने वाला है, कंपोनेंट लगने वाला है, वो आप इजीली यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इसमें, एक्सेसरीज भी रहता है, ये कनेक्शन पॉइंट पैटर्न रहता है। तो ये कनेक्शन पॉइंट पैटर्न के जैसे कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स वेक्टर रहते हैं। जैसे अगर उसको कनेक्शन ऊपर से देने वाले हो आप तो 1, या फिर नीचे से रहता है तो -1, अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिन। आप इसमें केबल का भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम उसको क्रॉस सेक्शन कितना स्क्वायर एमएम का लगेगा, मैक्सिमम कितना लगेगा, उसको टॉर्क कितना लगेगा। तो टाइट करने के लिए उसको स्क्रू को टॉर्क, उसका स्ट्रिपिंग लेंथ, उसका अमेरिकन वायर गेज साइज AWG, तो ये भी आप दे सकते हो। तो ये हो गया सिस्टम डेटा। ऐसे ही प्रोजेक्ट का भी डेटा रहता है। तो वो प्रोजेक्ट का भी डेटा, जब आपका सिस्टम डेटा अपडेटेड है तो वो आपका ऑटोमेटिकली, ये जो डेटा रहेगा पार्ट मैनेजमेंट का सिस्टम डेटा, तो वो ऑटोमेटिकली जैसे अपडेट रहता है। उसके अलावा इसमें आपको प्रोजेक्ट को देख सकते हो, इसमें टाइटल पेज है, ये टाइटल पेज रहा है, इसमें सारी डिटेल्स आप फिल कर सकते हो, जो भी चाहिए कस्टमाइज कर सकते हो, उसमें जो भी डेटा है वो आप फिल कर सकते हो। कस्टमर का जैसे लोगो रहता है, या फिर कस्टमर का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर्स, प्रोजेक्ट नेम, कस्टमर नेम, प्रोजेक्ट नंबर्स, उसके अलावा जिसने अप्रूव किया उसका साइन, चेक किया उसका साइन, डिजाइन किया उसका साइन, तो ये सारी चीजें आप इसमें फिल कर सकते हो। ये टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया मैंने रिपोर्ट्स में जनरेट करके आप रिपोर्ट कर सकते हो, वैसे ही ये रिपोर्ट है एक टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट मतलब जो रहता है, जैसे ये प्रोजेक्ट है तो इसमें सारे जो जो भी पेजेस क्रिएट किए हैं वो पेजेस की यहाँ पे लिस्ट आ जाती है, ये सारी लिस्ट है। उसके अलावा उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे रहता है। तो ये भी जो फॉर्म है आप मैन्युअली क्रिएट कर सकते हो और असाइन कर सकते हो किसी फॉर्म को टेबल ऑफ कंटेंट के, और वो यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो इसमें डेट, जो भी मॉडिफाइड डेट रहेगा वो यहाँ पे आ जाता है, किसने मॉडिफाई किया। अभी क्रिएटर नेम जो रहता है वो आपके पीसी का नेम रहता है, तो डेट वाइज या फिर लोकेशन वाइज आप इसमें जो भी चीज़ आपको मॉडिफाई करनी है वो मैन्युअली मॉडिफाई कर सकते हो। और ये जो चीज़ है टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह, जैसे किसने एडिट किया है, जैसे मल्टीपल लोग अगर टीम में होंगे तो उस चीज पे ये चीजें काम आती है, ये जीए रहेगा। तो ये जीए, इसमें जीए भी आप क्रिएट कर सकते हो, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। और जो इनक्लो जो डिटेल्स हैं इसका भी आप रिपोर्ट बना सकते हो, जो भी चीजें अगर डोर फ्रेम पे लगती है, जैसे पुश बटन हो गया या फिर सिलेक्टर स्विच है, लैंप्स है, इंडिकेशन लैंप्स, HMI, तो सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। जैसे लिस्ट बना रहता है और एनक्लोजर डिटेल्स का एक रिपोर्ट रहता है, वो जनरेट करके यहाँ पे सारी चीजें अपडेट हो जाती है। अगर कोई आप निकाल लेते हो इसमें से, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट किया आपने प्रोजेक्ट को, यूटिलिटीज, रिपोर्ट्स और अपडेट, तो ये ऑटोमेटिकली है और वो अपडेट हो जाता है लिस्ट में। ये इंटरनल जी है, ये सारी चीजें हैं। जैसे आपको भी अगर सिंबल डालना है कोई, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने इंसर्ट में जाके ये टर्मिनल प्लग है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पे आप वेरिएंट भी चूज कर सकते हो, तो ये वेरिएंट है, इसके सारे 8 वेरिएंट यहाँ पे दिए जाते हैं। उसके अलावा इसमें जो सिंबल लाइब्रेरी है, तो ये IC सिंबल लाइब्रेरी, यहाँ पे जो पेड वर्जन रहता है, लाइसेंस वर्जन, उसमें आपको 4, 5 या 6 लाइब्रेरी मिलती है, रशियन, अमेरिकन, चाइनीज और एक जैपनीज भी मिलती है, और ये यूरोपियन स्टैंडर्ड या IC, इलेक्ट्रो इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कमीशन, तो ये लाइब्रेरी आपको मिलती है यहाँ पे।
ये जैसे आपको मैंने बोला कि ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाता है, तो ये डेटा भी आपको भरना रहता है। एक मिनट है। ठीक, ये कनेक्शन ले रहा है ऑटोमेटिकली। तो कोई भी आप सिंबल लोगे उसके सामने आप रख दोगे सिंबल, वो ऑटोमेटिकली कनेक्शन लेता है। अगर यहाँ पे अगर कोई ग्रिड चेंज होता है तो आपको सिंबल अगर मतलब जैसे कोई सिंबल लिया वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आपको ग्रिड में भी लेके आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। ये ग्रिड पे लेके आप उसे कनेक्ट कर सकते हो, तो इजीली वो अवेलेबल हो जाता है कनेक्शन। ये भी MCB है, तो ये MCB को आपको ये जो रहता है सिंबल का डिटेल्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो DT, जो मैंने आपको अभी रिपोर्ट में दिखाया था पार्ट लिस्ट में, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये DT डिवाइस टैग। उसके अलावा उसको कनेक्शन पॉइंट डेजिग्नेशन रहता है, तो ये कनेक्शन पॉइंट डेजिग्नेशन उसके जो भी टर्मिनल्स रहते हैं वो उसके यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसके अलावा उसका टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक, वो कितने एम्पियर का है, कितने पोल का है, ये चीजें यहाँ पे रहती है। फंक्शन उसका, जैसे कोई फंक्शन उसका है, जैसे ऑन ऑफ करना है, मेंस को ऑन ऑफ करना है, या फिर उसको कंट्रोल ऑन ऑफ करना है, तो वो फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हो। एनग्रेविंग टेक्स्ट मतलब जैसे कंट्रोल पैनल के कैबिनेट पे आप डोर पे देखोगे वो नेम प्लेट लगा रहता है, तो जो एनग्रेविंग करना है टेक्स्ट वो यहाँ पे रहेगा। माउंटिंग साइट मतलब जैसे कहाँ पे माउंट करना है आपको, वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो मेन फंक्शन है, तो ये मेन फंक्शन जैसे आप किसी किसी चीजों में, जैसे कॉन्टेक्टर है उसको आपको एड ऑन ब्लॉक मिलता है एक्स्ट्रा, आपको NONC कॉन्टेक्ट मिलते हैं, तो अगर वो NONC कॉन्टेक्ट है तो आप उसको मेन फंक्शन ऑफ करोगे, और ये जो मेन फंक्शन है ये इस अगर ये मेन डिवाइस है तो इसका मेन फंक्शन ऑन होना चाहिए, जैसे वो पार्ट लिस्ट में रिफ्लेक्ट होता है। अगर वो मेन फंक्शन ऑफ करोगे तो वो पार्ट लिस्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये चीज है। उसके अलावा इसमें जैसे ये एरोज है, इसका क्रॉस रेफरेंस आप देखोगे तो ये क्रॉस रेफरेंस 8.0 मतलब ये आगे के पेज पे जा रहा है, तो 8 नंबर का पेज है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे रेफरेंस आ रहा है उसका 7.9। ये 9 जो है वो कॉलम नंबर है, 7 जो है वो पेज नंबर है, 7.9 से वो आ रहा है। देखिए यहाँ पे वो कॉलम नंबर 9, और कहाँ पे जा रहा है 8.0, 8 मतलब पेज नंबर, उस पॉइंट के आगे का जो डिजिट है वो आपका कॉलम नंबर है। यहाँ पे आप ऐसे ही प्लॉट फ्रेम को एडिट करके रो भी डाल सकते हो, तो ये रेफरेंस से आपको पता चलता है कि वो एरो कहाँ से आ रहा है, मतलब वो पावर सप्लाई कहाँ से आ रहा है, ये एक चीज है। और उसके अलावा जैसे यहाँ पे जो भी सिंबल आप लेते हो वो सिंबल पे आपको सारी चीजों में मतलब जैसे ये टेक्स्ट मैंने बताया आपको, ये सारा टेक्स्ट आपको अगर चाहिए तो आप इसे हाइड भी कर सकते हो, और चाहिए तो इसे आप पार्ट लिस्ट में भी ले सकते हो। मतलब जैसे उसका टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो BOM बनाते हो तो उसमें टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक नेसेसिटी है, फंक्शन टेक्स्ट है, ये सारी चीजें आप इसे हाइड भी कर सकते हो। डिस्प्ले में जाके ये सारी चीजों में आपको कस्टमाइजेशन मिलता है, यहाँ पे आपको ऐड भी करना रहता है इसमें सारी चीजें, जैसे मैक्रो नेम है, माउंटिंग पैनल है, डेप्थ है, डिवाइस टैग है, उसका पार्ट नंबर है, तो ये आपको अगर स्क्रीन पे चाहिए आप इसे सिलेक्ट करके इसमें ऐड कर सकते हो। देखिए अभी ये पार्ट नंबर है, ओके ये पार्ट नंबर आ रहा है यहाँ पे, इसको ओके किया तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है पार्ट नंबर। अभी इसको भी हम एडिट कर सकते हैं, उसका जो टेक्स्ट आएगा देखिए यहाँ पे, ये 5SL42107RC ये पार्ट नंबर आ रहा है, इसको डबल क्लिक करके आप यहाँ पे ये पार्ट नंबर का जो टेक्स्ट है उसको कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे साइज है, कलर्स है, अलाइनमेंट एंगल,
ये सारी चीजों में आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जो चाहिए आप वैसे रख सकते हैं। ये आपको अगर नहीं चाहिए इसमें आप क्रॉस कर पे क्लिक करके वो निकाल सकते हो, ये चीज है। उसके अलावा ये सिंबल है, जैसे ये सिंबल आपको लेने के बाद भी चेंज करना है तो आप यहाँ से वेरिएंट भी चेंज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे क्लिक करके वो सिंबल नेक्स्ट चेंज भी कर सकते हो। अभी मल्टी लाइन में यूज कर रहा हूँ मैं, या फिर सिंगल लाइन में यूज कर रहा हूँ पी एंड आई डायग्राम में, तो यहाँ से वो चेंज हो जाता है। इसके अलावा जैसे वो पार्ट असाइन किया हुआ है, पार्ट नंबर अभी मैंने आपको शो किया, तो यहाँ पे वो पार्ट नंबर आपको असाइन करना रहता है। अगर आपके पार्ट मैनेजमेंट मतलब जो सिस्टम डेटा है वहाँ पे अगर आपका डेटा है अवेलेबल तो ही आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो। अगर वहाँ पे डेटा नहीं है तो आपको पहले वो डेटा डालना पड़ेगा, या फिर डेटा पोर्टल से आप ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे वो ई प्लान डेटा पोर्टल का सेटिंग अगर आप चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली ये पार्ट नंबर ई प्लान डेटा पोर्टल से आपका मतलब लेके वो असाइन कर देगा आपके पार्ट को। यहाँ पे उस पार्ट लिस्ट का जो पार्ट नंबर असाइन किया है आपके सिस्टम डेटाबेस में से वो सारी चीजें यहाँ पे भर लेता है ऑटोमेटिकली। और जैसे मैंने आपको रिपोर्ट के बारे में बताया तो ये पार्ट लिस्ट है, तो ऑटोमेटिकली ये पार्ट लिस्ट भी आपका जो भी चीजें आपको मतलब जो कंपोनेंट आपने यूज किया है कंट्रोल पैनल में वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पे डिजिग्नेशन आ जाता है उसका कहाँ पे आपने यूज किया। अभी वो सर्किट ब्रेकर था वहां पे मैंने डिजिग्नेशन डाला था मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो आ गया। उसका टाइप नंबर है तो ये टाइप नंबर यहाँ पे आ रहा है सप्लायर पार्ट नंबर। ये टर्मिनल डायग्राम, जो भी टर्मिनल जैसे इलेक्ट्रिशियन रहता है वो साइट पे कनेक्शन करता है, तो उसको इजीनेस आने के लिए यहाँ पे आप टर्मिनल डायग्राम भी दे सकते हो। उसका टर्मिनल का ये कनेक्शन पॉइंट रहेगा, उसको क्या कनेक्ट करना है कहाँ कनेक्ट करना है ये भी आप इसमें डाल सकते हो। यहाँ पे भी आप जैसे ये नए टाइटल पेज देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको टाइटल पेज पे जैसे इमेज चाहिए इमेज है, उसके अलावा ये सारी डिटेल्स आप ऑटोमेटिकली या फिर आप जैसे फॉर्म आपको चाहिए वैसे आप क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा ई प्लान में आप रिपोर्ट्स वगैरह रहता है तो वो रिपोर्ट्स भी आप जनरेट कर सकते हो। कोई भी चीज का रिपोर्ट है जैसे पीएलसी का है या फिर आपके कोई डायग्राम का है जैसे पी एंड आई डायग्राम है, तो वो सारी रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हो ऑटोमेटिकली। ये आर्टिकल का ये पार्ट लिस्ट है, इसमें आप देखिए ये दूसरा प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने जैसे अलग कोई चीजें ली है जैसे फंक्शन साइन लिया है या फिर उसका पाथ लिया है, ऑर्डर नंबर लिया है, नेम लिया है उसका क्या है, तो ये नेम और ये मैन्युफैक्चरर है तो ये चीजें मैंने ली है। तो अब जैसे भी आपको चाहिए वैसे आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। ये टर्मिनल स्ट्रिप डेजिग्नेशन है, यहाँ पे टर्मिनल्स जैसे न्यूट्रल का टर्मिनल है तो यहाँ पे आ जाता है राइट। और ये सारे ग्राफिकल टूल्स भी हैं यहाँ पे, तो ये सारे ग्राफिकल टूल्स आप यूज कर सकते हो उसको यूज करके। ये सारे टूल्स है, ये टूल बार भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। ये सारी लिस्ट है, इसमें आपको जो चाहिए वो सिंबल आप एडिट कर सकते हो, यहाँ से कस्टमाइज भी आपको करने को आता है। कोई सिंबल आपको डालना है यहाँ पे कमांड डालना है तो उसके लिए असाइन भी आप कर सकते हो सिंबल्स। उसके अलावा आप जैसे सेटिंग में जाके यहाँ सारी चीजों में आप मतलब कस्टमाइज, यहाँ पे विंडो में जो ब्लैक है ये वाइट करना है, आपका ये विंडो वाइट हो जाता है। ये एडिट करना है शॉर्टकट की, तो यहाँ पे आप जो भी पाथ है
कमांड्स है वो सिलेक्ट करके आप उसको क्रिएट कर सकते हो ऑटोमेटिकली। जैसे जैसे आपको यूज करने का मतलब जो इजीनेस रहेगा वो चीज आप यहाँ पे डाल सकते हो वो कीज यूज करके। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये डेटा पोर्टल रहता है, तो ये डेटा पोर्टल का भी आप जो पेड वर्जन रहता है तो उसमें डेटा पोर्टल का भी आप यूज कर सकते हो। ये डेटा पोर्टल है ये यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है तो आप जैसे ये रहता है पेड वर्जन रहता है तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। राजन सर हेलो। यस रोहित यखा सर। हाँ रोहित सर, तो ये ई प्लान का हो गया अभी, तो ये प्रो पैनल का अभी मैं हेलो। हाँ यस सर, प्रो पैनल भी आप स्टार्ट कर दो, ठीक है चलेगा। बिकॉज मेनी कुछ लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जो ई प्लान इलेक्ट्रिक पीएड के लिए एनरोल्ड है, बट कुछ लोग पहले कर चुके हैं तो इट माइट गो फॉर। हाँ ठीक है चलेगा। ये 3D का जो नेविगेटर है लेआउट स्पेस का, तो ये है। ये अभी प्लान का जो प्रो पैनल का ये प्रोजेक्ट है। जो भी टूल्स आपको लगने वाले हैं प्रो पैनल के तो यहाँ पे आप कस्टमाइज करके यूज कर सकते हो। ये अभी फ्रंट व्यू है। ये सारे आर्टिकल्स अभी पार्ट्स मैनेजमेंट में होने चाहिए, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे यहाँ